चलिए पी एस वन करते हैं क्वेश्चन है फिगर शोज अ कैपेसिटर मेड ऑफ टू सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाय सेंटीमीटर डिस्टेंस द कैपेसिटर इज बीइंग बाय एन एक्सटर्नल सोर्स नॉट शोन इन द फिगर द चार्जिंग करंट इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज एंड इट इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट ठीक है तो हमारे पास ये सब डेटा है हमारे पास रेडियस प्लेट्स का हमारे पास उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है और हमारे पास जो करंट है जो उनको चार्ज कर रहा है वो गिवन है ठीक है तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है फिर हमें कैलकुलेट करना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है कितना डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा है और फाइनलीजॉफ फर्स्ट रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर तो जो खिशोफ का जो करंट लॉ था क्या वो वैलिड है यहां पर कैपेसिटर प्लेट्स पर हमें वो एक्सप्लेन करना है ठीक है तो देखिए हमारे पास प्लेट का रेडियस है प्लेट का रेडियस है तो हमारे पास हमारे पास एरिया है हमारे पास उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो भी पता है हमें हमें एरिया पता है हमें डी पता है और नॉट तो कॉन्स्टेंट होता है तो यहां से क्या मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकता हूं बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं हम देखिए कैपेसिटेंस इज ए, ए नॉट बाई डी एरिया इज पाई आर स्क्वायर ठीक है और सेपरेशन हमें पता है तो यहां से कैपेसिटेंस इज वेरी इजी टू फाइंड आउट एंड इट इज 80.1 पॉइंट वन पी को ठीक है चीजों को उनकी ऐसा SI यूनिट्स के अंदर डालिए एंड गेट दिस आंसर इसी का सेकेंड पार्ट था कि क्या हम डीवी बाई डी निकाल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है तो देखिए ये भी बहुत आसान है हमें पता है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में इट इज जीरो पॉइंट वन फाइव एमपीयर ठीक है और हमें यह भी पता है कि Q इज इक्वल टू सी इंटू वी ठीक है तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशियट करूं तो डीक्यू बाई डी कि हमें दिया हुआ है जीरो पॉइंट एम्पियर कैपेसिटेंस हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया तो अगर मैं करंट की वैल्यू डालता हूं जीरो पॉइंट वन फाइव एम्पियर और मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू डालता हूं जो कि एन पी को फेरेट जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया था ठीक है तो यहां से जो डीवी बाई डी टी निकल के आता है दैट इज इक्वल्स टू वन पॉइंट एट सेवन इंटू टेन टू दावर नाइन वोल्ट से नाउ लास्ट पार्ट क्या फर्स्ट लॉ वैलिड है सॉरी नाउ द सेकेंड पार्ट दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला जैसे कि आपको मैंने बोला था याद कर लीजिए दैट इज एपसाइलेंट नॉट इन डी बाई डी टी इन एरिया ऑफ द प्लेट राइट तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सिग्मा बाय बायसेलन नॉट ठीक है और सिग्मा कितना है क्यू बाय ए चार्ज पर यूनिट एरिया तो अगर मैं सारी वैल्यूज डालता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू बायसेल नॉट और राइट और अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे डिस्प्लेसमेंट करंट के एक्सप्रेशन में डालता हूं तो क्योंकि एरिया कांस्टेंट है एप्सैल नॉट कांस्टेंट है ये सब चीजें बाहर आ जाएंगी डिफरेंशिएशन से और ए से कैंसिल आउट हो जाएगा नॉट नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज डी क्यूब आई डी टी एंड बट दिस आई जीरो पॉइंट वन फाइव एमपीयर ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट करंट यहां से कितना निकल के आता है जीरो पॉइंट वन फाइव एम जो कि सेम है कंडक्शन करंट के ऑल राइट right? तो पहला इंड तो हमारे पास यही है कि क्रिश लॉ वैलिड है बिकॉज यहां पर हमारा आई सी इजिकल्स टू आई तो चलिए हम लास्ट पार्ट करते हैं देखो खिश्रॉफ लॉ वैलिड है क्योंकि बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है और ओनली कंडक्शन करंट है और अंदर कंडक्शन करंट जीरो है और डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी है ठीक है सो so, जो भी अल्जेब्रिक सम होता है करंट का किसी भी जंक्शन पे वो जीरो होना चाहिए और हमारे केस के अंदर वो जीरो आ रहा है देखिए ic इज करंट इन और आई जो करंट बाहर जा रहा है और ic इज टू आई है ठीक है तो बिल्कुल फर्स्ट रूल यहां वैलिड है सेकेंड प्लेट पर भी आप देख सकते हैं कि करंट इन जो है जो करंट आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू आईडी और जो करंट बाहर जा रहा है दैट इज आईसी और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है हमारे इस क्वेश्चन के अंदर वो मैग्नीट्यूड आया 0.15 एंपियर ठीक है तो यस yes, तो यस किरचॉफ्स लॉ आर वैलिड हियर ओके तो चलिए देखते हैं कि हमने इस पूरे पार्ट के अंदर क्या देखा डिस्प्लेसमेंट करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट है सेम इफेक्ट एज ऑफ द कंडक्शन करंट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं ठीक है तो क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है कैपेसिटर के अंदर इसका मतलब है कि कोई ना कोई करंट है और ये जो करंट है ये जस्ट लाइक एनी अदर करंट इट कैन प्रोड्यूस दिस मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट मे बी जीरो सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज विद टाइम ठीक है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा कैपेसिटर को चार्ज करते वक्त डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों उस रीजन के अंदर मौजूद हो सकते हैं दोनों एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग टाइम गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे पार्ट का कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब कोई ना कोई करंट है और वही करंट को हम बोलते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो मैग्नीट्यूड है इट इज एपसाइलेंट ऑफ टाइम्स इनटू डी बाई डी टी इन टू दैट इज द एंड ऑफ पार्ट वन